हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में। कल अपन ने देख लिया पॉलिनोमियल है, इसको मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। देखो, फर्स्ट वाला था अपना मोनोनोमियल, सेकंड वाला था अपना बाइनोमियल और थर्ड था अपना ट्राइनोमियल। देखो बेटा, मैंने बोला था, आपको बताया था कि जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा के टू पार्ट्स होते हैं। एक तो बताया था मैंने वेरिएबल, एक बताया था कांस्टेंट। देखो, वेरिएबल में एक्स वाई एंड जेड आएगा, कांस्टेंट में ऑल नंबर आएगा, ठीक है बेटा। और इनसे जो वैल्यू बनेगी, इन दोनों का जो मिक्स करने पर जो अपन को प्राप्त होगा, वो होगा अपने पास पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। ये अपने पास आएगा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की बात करें तो इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनो मतलब होता है वन, यानी इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, अगर वन हो तो मोनोमियल होगा। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर टू हो तो क्या होगा, बाइनोमियल होगा। और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर थ्री हो तो वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसका मैंने फॉर्मूला लिखा था आपके ax प्लस बी, इसको बोलते हैं एक ही लाइन में, ठीक है ना। वेरिएबल अपने पास क्या है, x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, वन है, b कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। x की मैक्सिमम पावर वन है, मोनोनोमियल हो गया, ठीक है। ऐसे में सेकेंड वाला ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, ये है अपने पास इक्वेशन, इक्वेशन नहीं है सर, पॉलिनोमियल है। इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास, टू है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर टू है, मिनिमम पावर कितनी है, वन है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये मोनोनोमियल बन जाएगा, ठीक है बेटा। थर्ड है अपना ट्राइनोमियल, एक्स का क्यूब प्लस का बी एक्स के स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी, इस फॉर्म में है। अगर कोई पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में है तो होगा अपना ट्राइनोमियल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितने, देखो यहाँ पे थ्री है, तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल। उसके यहाँ मिनिमम पावर कितनी है, उसके बाद है टू, उसके बाद है वन। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसका। एग्जाम्पल लिया मैंने टू एक्स प्लस के थ्री, देखो वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर वन है, मैं मोनोमियल की बात कर रहा हूँ। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन है, मोनोमियल। मैं ओनली अकेला ऐसा लिखूं x प्लस के टू, तो x की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन है, मोनोनोमियल है। अगर मैं ओनली ऐसा लिख दूं, ओनली x लिख दूं, ओनली मैंने क्या लिखा, x लिखा, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, देखो वेरिएबल यहाँ पे अपने पास x ही है, वेरिएबल अपने पास क्या है, x ही है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास, वन है। तो देखो अपना क्या हो गया, ये मोनोनोमियल हो गया, ठीक है बेटा। मैं बात करूंगा सेकंड वाला, अपने पास है बायोनोमियल की बात करूं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं उसका, 2x के स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 लिया मैंने, इस फॉर्म में लिया, तो वेरिएबल अपना क्या है, यहाँ पे x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास, 2 है, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया अपने पास, अपना क्या हो गया, बायोनोमियल हो गया, ठीक है बेटा। अगर मैं इसका सीधा एग्जांपल लेता हूं, अगर x का स्क्वायर प्लस के 2 इतना ही लेता हूं, तो वेरिएबल है अपने पास x और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास, 2 है, तो अपना क्या है, हो गया बाइनोमियल हो गया बेटा, ठीक है। ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको ये देखना है पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, उसी के हिसाब से अपना पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है बेटा। अपने एग्जाम में जो अपने आरबीएससी 10th बोर्ड है और एनसीईआरटी है, उसमें ओनली बाइनोमियल ही काम आता है, ठीक है बेटा। इस बायोनोमियल, ये जो बात ट्राइनोमियल की बात है, ये अपने पास 11th और 12th में चला जाता है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं बायोनोमियल की। एग्जांपल इसके भी ले सकता हूं मैं, जैसे 2x का क्यूब प्लस के 3x का स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2 समथिंग, जो भी आपकी मर्जी वैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है बेटा। अब अपन बात करेंगे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है बायोनोमियल, जो अपनी 3 एक्सरसाइज, 3 नंबर की एक्सरसाइज है, वो पूरी इस पे ही, इसके बेस पे है, ठीक है बेटा। तो अपन बात करते हैं इसकी, बात करें बायोनोमियल। मैं बायनोमियल की बात करूंगा तो देखो, बायोनोमियल क्या था अपने पास, अब
हमारे पास बायोनोमियल था ax का स्क्वायर bx plus के c इक्वल जीरो नहीं लगाना है, जीरो लगाते ही बायोनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, अब पॉलीनोमियल है फंक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके इसको मैं सॉल्व करता हूं, अगर इक्वल जीरो लगा के, अगर मैं इसके इक्वल जीरो लगा के अगर इसको इक्वेशन बना के मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं, तब अपने पास x की दो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू अपने पास आएंगी, x की ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, x की ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, एक तो प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, वैसे तो प्लस वाली वैल्यू ही मानी जाएगी आंसर, लेकिन यहाँ पे चल रही है प्लस और माइनस दोनों, अपने जो आंसर आते हैं उसमें चल रही है, ठीक है। तो देखो जो x की वैल्यू जो कुछ आएगी उसको मैं मानता हूँ अल्फा, क्या मानू बेटा, इसको मैंने मान लिया अल्फा, ये x की जो सेकंड वाली वैल्यू आती है उसको मैंने मान लिया बीटा, तो मैंने इसके जीरोस मान लिए, जो इसे बोलते हैं जीरोस, यानी x की कुछ वैल्यू आती है मैं x के इक्वल जीरो करके कुछ वैल्यू निकालता हूँ, वो जो वैल्यू आती है अपने पास उसको मैं मानता हूँ अल्फा, यहाँ पे इक्वल जीरो करके कुछ वैल्यू आती है वो उसको मानता हूँ बीटा, यानी जीरोस हो गए इसके, तो मैंने माना है इसके अपने पास ये टू जीरोस है, लेट अल्फा एंड बीटा टू जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल, अभी पॉलीनोमियल है उसके अल्फा और बीटा मैंने टू जीरोस मान लिए, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इस अल्फा और बीटा के जीरोस के, सबसे पहली बात करूंगा मैं इस जो अपने पास जीरोस है उसके सम की बात करूंगा, और ये जीरोस है उसके प्रोडक्ट की बात करूंगा, मेरे पास दो ही चीजें, तो सम ऑफ जीरोस की बात करता हूं, जीरोस अब मैंने क्या माना है, तो अल्फा मान लिया, सेकंड वाला क्या आपने बीटा है, तो सम किया मैंने इसका अल्फा प्लस के बीटा, अल्फा प्लस के बीटा आपको याद करना बेटा, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, समझ में बात, माइनस का बी अपॉन ए। मैं सेकंड वाली बात करूंगा इसी से, देखो ये पॉलीनोमियल दे रखा है ना इससे, जैसे आपको मान लो ऐसा एग्जांपल देते, पहले बता देता हूँ सेकंड बात, सेकंड बात है अपने पास प्रोडक्ट की बात करता हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता हूँ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई बात हो गई, यानी इसका प्रोडक्ट करता हूं मैं अल्फा इनटू बीटा इक्वल, ये होता है अपने पास सी अपॉन ए, ये अपन को दो चीजें याद रखनी है बेटा, इन दो चीजों से अपना पूरी 3.1 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड बात, अपन को इसका फैक्टर करना आना चाहिए, फैक्टर करेंगे ना तभी इसके अल्फा और बीटा अपन को फाइंड हो गए, ठीक है बेटा, इसके फैक्टर करेंगे तभी अपने पास अल्फा और बीटा फाइंड होंगे। तो देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो 2x के स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4, ये अपने पास पॉलीनोमियल है, बायनोमियल, ठीक है ना, कौन सी फॉर्म है, बायनोमियल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा इसके जीरोस माना मैंने अल्फा एंड बीटा है मैंने जीरोस माना, तो मैं मेरे को कोई पूछेगा आपको, मैं पूछूं सॉरी, मैं आपको पूछूं सम ऑफ जीरोस कितने होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो मैं पहली बात पूछूंगा आपको सम ऑफ जीरोस की बात करता हूं, वो होता है अल्फा प्लस के बीटा, मैंने क्या बोला माइनस के बी अपॉन ए होगा, माइनस के बी अपॉन ए, इसको आप याद ही करना, ठीक है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूंगा तो सी अपॉन ए होगा, ठीक है बेटा। तो मैं देखो बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं मैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, तो देखो माइनस का बी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, ये माइनस की है माइनस है, बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 है, ए कितना अपने पास 2 है, समझ मारी बात, ये तो हो गया इस फॉर्म में, देखो ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, भाई साहब बाहर चले जाओ आप, तो a की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 3, और c की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 4, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा प्लस के बीटा माइनस का b अपॉन a हो गया, ठीक है। तो इसके आंसर क्या आ गया, माइनस के 3 अपॉन 2। सेकेंड में बात करूंगा प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता हूं, यानी अल्फा इनटू बीटा की बात करूं तो ये होता है अपने पास c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखो c अपने पास 4 है, 4, a अपने पास कितना है 2, तो 4 अपॉन 2 2 आया अपने पास आंसर, ठीक है बेटा। ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन अपन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूं 3.1 की, जो अपने पास जो अपन को अपने लिए इंपॉर्टेंट है, मैं 3.1 की बात करता हूँ पॉलीनोमियल पे पूरी, ठीक है ना, उसमें अपन को पॉलीनोमियल देगा, पॉलीनोमियल दे के अपन को पूछेगा इसके जीरोस एंड कोएफिशिएंट फाइंड करो अपन को, है ना, उसको प्रूव करके दिखाना अपन को, मान लो क्वेश्चन मानता हूँ मैं, एग्जांपल है ना, 3.1 की बात कर रहा हूँ मैं,
बाइनोमियल पे बेस्ट है पूरी। तो देखो मैंने माना 2x के स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 8 इक्वल, ये अपने पास पॉलिनोमियल दे रखा है, मैं पॉलिनोमियल दे रखा है इसका मतलब मैं इसको fx के इक्वल मान लेता हूं, ठीक है ना, या px पॉलिनोमियल आपकी मर्जी वैसे मान लो, ठीक है। मैंने fx के इक्वल मान लिया 2x के स्क्वायर प्लस के 2x के स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 8, ये अब मैंने माना एक पॉलिनोमियल है अपन को दिया हुआ है, अपन इसके क्या करना है जीरोस फाइंड करना है और कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं इसके जीरोस की बात करता हूं, यानी x क्या होगा अपने पास जीरो होगा, x क्या होगा अपने पास जीरो। तो मैं इस एफ एक्स को क्या करता हूं, पूरे टोटल एफ एक्स को क्या करता हूं जीरो की बात जीरो करता हूं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2x के स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 8 इक्वल क्या हो गया अपने पास जीरो, ठीक है। 2x के स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 8 इक्वल क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसके, ये अपने पास क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, बाइनोमियल इक्वेशन हो गई। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ इसके जीरोस फाइंड करता हूँ, क्या फाइंड करता हूँ जीरोस, जीरोस इसके फैक्टर करके करेंगे अपन को फैक्टर की जो है ना जीरोस फाइंड करने के अपने पास थ्री मेथड होते हैं, फर्स्ट वाला होता है फैक्टराइजेशन, सेकंड वाला होता है परफेक्ट स्क्वायर और थर्ड वाला होता है अपने पास थ्री दरअसल फॉर्मूला। तो मैं फैक्टराइजेशन की बात करता हूँ, फैक्टराइजेशन में क्या होता है बाहर वाले को मल्टीप्लाई करना होता है बीच वाले के टुकड़े करने होते हैं, ठीक है बेटा। तो बाहर वाले को मल्टीप्लाई किया मैंने, टू को एड से किया कितने आ गए अपने पास 16, अब टुकड़े किसके करने अपन को एड के टुकड़े करने हैं, टुकड़े ऐसे करने बेटा, टुकड़े ऐसे करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने में तो अपने पास 16 आ जाए और उनको प्लस या माइनस करने में अपने पास क्या जाए 8 आ जाए, ऐसे टुकड़े करने, ठीक है बेटा। तो देखो मैं 8 के टुकड़े करता हूँ, देखो एक तो अपने पास हो गया 4, एक हो गया अपने पास 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, 16 हो गया और 4 में 4 ऐड किया 8 हो गया, ठीक है। अभी 2020 ये जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, इसके बेस पे क्वेश्चन आया था और 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो मैं क्या करता हूँ इसके फैक्टर क्या हो गया 8 के 4 और 4 हो गए, ठीक है बेटा। ये 2x के स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4x प्लस 8 इक्वल क्या हो गया जीरो, दो दो की सेटिंग कर लो इसकी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है अपने 2 कॉमन आ रहा है, तो यानी 2x कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे क्या बच गया x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 2, समझना बेटा। इन दोनों में x कॉमन लिया मैंने, इन दोनों में 2 कॉमन लिया मैंने क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सेकंड वाले बात करूं मैं, इन दोनों में x नहीं है, इसमें x है इसमें नहीं है, तो x तो कॉमन ले नहीं सकते, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 8 है, तो 8 4 से डिवाइड हो रहा है तो मैं 4 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचता है अपने पास वो x बचता है और 8 में 4 से डिवाइड किया 2 आएगा, तो अपने पास हो गया ये 2 इक्वल 0, हमारी बात ये कैसे है। अब देखो ये जो डिब्बा है इसमें जो वैल्यू आ रही है इस डिब्बिया में वो वैल्यू इक्वल आ रही है, तो मैं इन दोनों को कॉमन लेता हूँ, इनको कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस के 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया बच्चा 2x, यहाँ पे क्या बच गया बेटा प्लस के 4 इक्वल क्या हो गया 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x प्लस के 2 इक्वल 0 हो गया, दोनों 0 के इक्वल में हो रहे हैं मल्टीप्लाई में, और ये भी हो गया 2x प्लस के 4 इक्वल क्या हो गया 0। मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो x ये प्लस के 2 इस साइड को फेंकूंगा प्लस का है, इस साइड फेंकते क्या हो गया माइनस के, तो माइनस के 2, x की वैल्यू माइनस के 2 आ गया, यानी अपने पास एक जो जीरोस था अल्फा की वैल्यू कितनी आई अपने पास माइनस के 2 आई, अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी आई माइनस के 2। और यहाँ पे देखो 2x इक्वल मैं प्लस के 4 को इस साइड फेंकूंगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये तो माइनस के 4 हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 4 अपॉन 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में तो किसमें आएगा डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2, तो x की वैल्यू जो आ रही है अपने पास वो माइनस के 2 और माइनस के 2 आ रही है, यानी ये तो हो गया अल्फा, अल्फा क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया अपने पास बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आई अपने पास जीरो की, तो बात कर रहे हैं ना जीरो की, तो बात कर रहे हैं ना, कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा की वैल्यू अपने पास है माइनस के 2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस के 2। अब बात करता हूँ उसके जीरोस और कोफिशिएंट की बात करता हूँ,
तो जीरोज और कोफिशिएंट की बात करता हूं रिलेशन की, जीरोज एंड कोफिशिएंट। अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x के स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 8, ये अपन को बाइनोमियल दे रखा है, यानी ये इस फॉर्म में ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इस फॉर्म में बेटा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हुई अपने पास 2, b की वैल्यू कितनी हुई अपने पास 8 और c की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक है बेटा। यानी अपने पास a इक्वल हो गया 2, b इक्वल हो गया 8 और c इक्वल कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है बेटा। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं जीरोज की, क्या करता हूं जीरोज की, जीरोज और कोएफिशिएंट की बात करता हूं। तो पहली बात आती है अपने पास सम ऑफ जीरोज की बात करता हूं, यानी अल्फा प्लस के बीटा की बात करता हूं, अल्फा प्लस के बीटा की बात करता हूं, ये क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए होता है, अल्फा प्लस के बीटा, अल्फा कितना अपने पास माइनस के 2 और प्लस बीटा, प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, बी आया अपने पास 8 अपॉन ए कितना अपने पास, ए की वैल्यू कितनी अपने पास 2, ये हो गए माइनस के 4 और माइनस 2 कितना माइनस 4। तो देखो कोएफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप सत्य हो रहा है, ट्रू हो रहा है, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, तो सेकंड बात अपनी देखो प्रोडक्ट की बात करता हूँ मैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता हूँ मैं, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा, ये होता है अपने पास सी अपॉन ए होता है, क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस के 2 मल्टीप्लाई किया माइनस बी की, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 से, और सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 अपॉन ए कितना अपने पास 2, ये अपने पास आ गया 4 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितने 4 आ गए, और माइनस 2 को माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया कितना है प्लस, तो 4 इक्वल 4, इसका मतलब रिलेशन अपना सही है, कोएफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन क्या एकदम सही है। तो अपन को ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था जो अपने एग्जाम थी उसमें 3.1 से आया था, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है, कल अपन 3.1 के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।